मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, SPC राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि ब्रिटिश संविधान जो है वो विकास का फल है, ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। कुछ चीज़ें संयोग से अस्तित्व में आई है और कुछ चीज़ें विवेक से अस्तित्व में आई है। लेकिन स्ट्रची का ये कथन पूर्णतः सत्य है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह ये संयोग का शिशु है। तो सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संयोग से अस्तित्व में आई है। जैसे 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था, ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की और नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तीन अलग अलग वर्ग थे, सामंत वर्ग के प्रतिनिधि, धर्माधिकारी वर्ग और नगरों के प्रतिनिधि को बुलाया। ब्रिटेन के संविधानिक इतिहास में इसे मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इस उदाहरण से त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ, किंतु बैरन, सामंतों और उच्च धर्माधिकारियों ने हितों की परस्पर एकता अनुभव की और वे एक हो गए। इसी प्रकार शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि दोनों ही निर्वाचित होते थे और उनके हित भी लगभग एक जैसे थे, अतः ये दोनों वर्ग एक दूसरे के समीप हो गए और छोटे धर्माधिकार भी इनके साथ जुड़ गए। इस स्थिति के कारण त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। उच्च सदन लॉर्ड सभा सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा और निम्न सदन कॉमन सभा जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगा। इस प्रकार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास संयोग से हुआ है। दूसरा, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास। मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास भी संयोग से हुआ है। 19वीं सदी में ब्रिटेन में मताधिकार का विस्तार हुआ और मताधिकार के इसी विस्तार ने मंत्रिमंडल को जनाधार प्राप्त हो गया। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया, जिसने मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास इसी काल में हुआ। अब मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो गई और 20वीं सदी और विशेषतः द्वितीय महायुद्ध के काल से मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण इस सीमा तक आगे बढ़ गया कि प्रधानमंत्री शासन की बात कही जाने लगी। एक संस्था के रूप में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का ये संपूर्ण विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कानूनों का फल नहीं, वरन संयोग के तत्व और राजनीतिक परंपराओं का फल है। इस प्रकार मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास संयोग का शिशु है। दूसरा, विवेक का शिशु। ब्रिटिश संविधान में विवेक के तत्व हैं। पहला, निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना और ये कार्य केवल कुछ अंशों में संयोग के तत्व और अधिकांश अंशों में विवेकपूर्ण किए गए कार्यों का फल है। लोकतंत्र की स्थापना में तीन ऐतिहासिक प्रलेखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। दूसरा, वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। वयस्क मताधिकार संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का फल है और ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप से अपनाया गया है। सन 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों के द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया है और अंततः 1929 के सुधार अधिनियम के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। इसके बाद सन 1969 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसी प्रकार गुप्त मतदान की व्यवस्था को 1872 से शुरू किया और 1948 में बहुल निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त कर
एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। इस प्रकार योजनाबद्ध ढंग से लोक सदन का लोकतंत्रीकरण किया गया। तीसरा, लॉर्ड सदन पर लोक सदन की श्रेष्ठता। 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा को लोक सदन पर श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त थी। इसी सदी के उत्तरार्ध में दोनों सदन लगभग समान स्तर पर आ गए और 20वीं सदी के प्रारंभ में इस विचार को अपनाया गया कि कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति लोक सदन को प्राप्त होगी। लेकिन जब लॉर्ड सभा ने इस स्थिति को अस्वीकार करने की कोशिश की, तब 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया। इसी प्रकार संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति लोक सदन को प्राप्त हो गई और संसद की प्रभुसत्ता का आशय यहाँ लोक सदन की प्रभुसत्ता से है। चौथा, पियरस एक्ट लॉर्ड सभा की रचना में सुधार। सन 1958 और 1963 के पियरस अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार किए गए हैं। पियरस अधिनियम 1958 के आधार पर आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई और 1963 के पियरस अधिनियमों के आधार पर व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति जो वंशानुगत आधार पर पियर अर्थात लॉर्ड सभा का सदस्य है, वह चाहे तो पियर पद का त्याग कर सकता है। पियरस अधिनियम 2000 के आधार पर भविष्य के लिए वंशानुगत पियरों की व्यवस्था समाप्त कर दी, अर्थात लॉर्ड सभा में वर्तमान में जो वंशानुगत सदस्य हैं वे जीवन पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन उनके उत्तराधिकार को लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें विवेक का फल है, लेकिन इस संविधान में संयोग का तत्व विवेक की तुलना में कम नहीं है। इस संविधान के विषय में ठीक ही कहा गया है कि ये संयोग और विवेक का शिशु है। ये टॉपिक आज का समाप्त हो गया है। कल हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।